नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले शिवरात्रि पर कि शिवरात्रि, इस बार की जो शिवरात्रि है वो क्यों महत्वपूर्ण है, और अगर महत्वपूर्ण है तो इस शिवरात्रि का किस प्रकार से आप फ़ायदा ले सकते हैं। देखिए, फ़ायदा लेने का इन द सेंस, क्योंकि जब कोई शिवरात्रि या कोई भी त्यौहार कोई विशेष योग में आते हैं या विशेष प्रकार के जो परिस्थिति में आते हैं, या कह सकते हैं कि ऐसे कुछ ग्रहों का योग बनता है जिससे उसकी महत्वता और बढ़ जाती है, इस प्रकार की कोई भी जो त्यौहार होता है उसमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। अगर वो विशेष फल आपको प्राप्त करना है तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल ज्योतिषमंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मैं बताता हूँ कि वो क्या विशेष संयोग है इस बार शिवरात्रि को लेकर। तो इस बार की जो शिवरात्रि है उस शिवरात्रि पर त्रिग्रह सहयोग बन रहा है, यानी तीन ग्रह एक साथ एक ही राशि में बैठे हुए हैं, इस प्रकार का संयोग बन रहा है, और साथ ही में उस दिन शिवरात्रि भी है, इसलिए ये इसका विशेष महत्व हो जाता है। और देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, त्रिग्रही संयोग तो कई बार बन जाता है लेकिन हर बार शिवरात्रि नहीं होती है। ऐसा नहीं कि त्रिग्रही संयोग पहली बार बन रहा है, ऐसा नहीं, लेकिन तीन ग्रहों के संयोग के समय शिवरात्रि का होना ये सैकड़ों वर्षों के बाद ऐसा होता है, तो इसलिए इस बार जो त्रिग्रही संयोग बन रहा है इसका आपको लाभ जरूर उठाना चाहिए। चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो तीन ग्रह कौन कौन से हैं जिनका संयोग इस बार शिवरात्रि पर बन रहा है। तो देखिए, पहले तो हैं शनिदेव, जो कि न्याय के देवता हैं। शनिदेव 17 जनवरी को ऑलरेडी कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, तो एक तो हो गए शनिदेव। दूसरे हैं सूर्यदेव, जो कि 13 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ठीक है, पहले हो गए शनिदेव जो कि ऑलरेडी कुंभ राशि में जा चुके हैं। दूसरे हैं सूर्यदेव जो कि 13 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। और तीसरे जो ग्रह हैं वो हैं चंद्र, चंद्र भी 18 तारीख को ही कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तीन ग्रह जो हैं वो उस दिन, तीन ग्रहों का संयोग उस दिन मिल रहा है शिवरात्रि के दिन। अब आपको ये बता दूँ, चंद्रदेव आपको मालूम है कि डायरेक्ट शिव से कनेक्शन उनका है, और शनिदेव का भी डायरेक्ट शिव से कनेक्शन है, तो कनेक्शन इन द सेंस कि ये दोनों ही ग्रह शिव के ग्रह हैं, और इनका कोई भी इनका उपाय जो किया जाता है वो शिव के थ्रू ही किया जाता है, तो इसलिए इनका विशेष फल अगर आपको प्राप्त करना है, यानी कि अगर आपके पास 7.5 शनि की दशा चल रही है, या ढैया शनि चल रहा है, या शनि की कोई भी दशा अगर आपके ऊपर है, तो इस दिन शिवरात्रि के दिन अगर आप कोई सा भी उपाय करोगे तो आपको उसमें ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। दूसरी बात, चंद्र का, यानी कि आपको दिमागी रूप से किसी प्रकार की कोई परेशानी है, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, आपका इस समय परीक्षा का टाइम आ रहा है, और आपको अपने मन को स्थिर रखना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रखना है, तो आपको भी इस दिन यानी कि शिवरात्रि के दिन आपको चंद्र से रिलेटेड कोई भी उपाय अगर आप करोगे तो उससे विशेष फल की प्राप्ति होगी। वैसे इनके संबंधित जो उपाय है वो मेरे पिछले वीडियो में आपको मिल जाएंगे, कहीं आप देख सकते हो, लेकिन कोई सा भी उपाय अगर आप इस दिन करते हो चंद्र से रिलेटेड या शनि से रिलेटेड, तो इसमें विशेष फल की आपको प्राप्ति होगी, जो कि आपके आने वाले जीवन के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। इस कारण से इस दिन की जो शिवरात्रि है, यानी कि इस बार की जो शिवरात्रि है, वो विशेष फलदायक है। और साथ ही अगर सूर्यदेव की बात करूं तो आपको मालूम है कि किसी भी उच्च पद को प्राप्त करने के लिए या किसी भी सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए जो लोग इस समय कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे कॉम्पिटिशन कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, और वो सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके लिए विशेष समय रहेगा। अगर आज के दिन मतलब शिवरात्रि के दिन अगर आप सूर्य से रिलेटेड कोई उपाय करते हैं तो उसमें भी आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस कारण से आप इस बार की जो शिवरात्रि है वो विशेष महत्व वाली शिवरात्रि है, और सभी को इस शिवरात्रि का जो फ़ायदा है वो उठाना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल ज्योतिषमंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।